नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा वैक्सीन्स के बारे में। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो सबसे पहली वैक्सीन हमारे पास है वो है बीसीजी वैक्सीन। यहाँ पे दी गई बीसीजी वैक्सीन। अब इसको कैसे लगाते हैं, कब लगाते हैं और कौन से डिजीज़ से ये प्रिवेंट करती है, इसके बारे में आपको मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको लगाते हैं एट बर्थ, यहाँ पर दिया गया है। और एट बर्थ अगर नहीं लग पाई है तो यहाँ पर इसको टिल 1 ईयर ऑफ एज तक लगा सकते हैं, 1 साल तक की इसको लगाया जा सकता है, ठीक है। और ये कौन से डिजीज़ से बच्चे को प्रिवेंट करती है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये दिया गया है डिजीज़ प्रिवेंटेड में ट्यूबरक्लोसिस से, जो ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी होती है उससे ये प्रिवेंट करती है, ठीक है। और यहाँ पे इसका डोज दिया गया है, नीचे ये देख लीजिए डोज दिया गया है। इसका जो डोज रहता है वो रहता है 0.05 ml एट बर्थ। अगर बर्थ के टाइम लग रहा है तो 0.05 ml लगेगा, अगर उसके बाद में लग रहा है तो यहाँ पे ये देख लीजिए 0.1 ml आफ्टर 1 month ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये जो है 0.1 ml लगेगा, अगर बर्थ पे नहीं लग पाया है तो बाद में लगेगा, तो 0.1 ml की डोज इसकी लगती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के बारे में। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको लगाते हैं एट बर्थ, यहाँ पे दिया गया है इसको एट बर्थ लगाते हैं। और ये कौन से डिजीज़ से प्रिवेंट करती है, तो यहाँ पे दिया गया है देख लीजिए, ये करती है हेपेटाइटिस बी से प्रिवेंट, ठीक है, जो कि लीवर को इफेक्ट करता है उससे ये प्रिवेंट करती है। और यहाँ पे इसकी डोज दी गई है नीचे, तो डोज इसकी रहती है 0.5 ml एट बर्थ, ये बच्चे के जन्म के समय ही लगता है, और 0.5 ml लगता है, ठीक है। ये हो गया हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। अब यहाँ पे बात करेंगे ओरल पोलियो वैक्सीन के बारे में। तो यहाँ पे दी गई है ओरल पोलियो वैक्सीन। तो इसको कैसे पिलाते हैं, यहाँ पे दिया गया है देख लीजिए, इसको एट बर्थ पिलाया जाता है, फिर 6 और फिर 10 और 14 वीक्स पे इसको पिलाया जाता है। और यहाँ पे इसका बूस्टर डोज जो होता है वो 16 से 24 महीने के बीच में दिया जाता है। तो ये हो गया ओरल पोलियो वैक्सीन, इसको बोलते हैं OPV। और ये बच्चे को प्रिवेंट करती है पोलियोमेलाइटिस से, पोलियो होने से ये बचाती है बच्चे को, ठीक है। और यहाँ पे इसकी डोज भी दी गई है, 2 ड्रॉप्स होती है, सभी जानते हैं 2 बूंद जिंदगी की, तो ये पोलियो की जो है ना 2 ड्रॉप्स होती हैं और ये ओरल पिलाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे पेंटावेलेंट वैक्सीन के बारे में। तो यहाँ पे देख लीजिए, नीचे दिया गया है इसमें 6, 10 एंड 14 वीक्स पे इसको लगाया जाता है, ठीक है। और ये कौन सी डिजीज़ से बच्चे को बचाता है, तो यहाँ पे दिया गया है डिजीज़ प्रिवेंटेड में ये बचाता है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, HIV इन्फेक्शन कॉजिंग निमोनिया एंड मेनिनजाइटिस एंड हेपेटाइटिस बी से बचाता है बच्चे को, ठीक है। और इसका जो डोज रहता है वो रहता है 0.5 ml। अब यहाँ पे बात करेंगे रोटा वायरस वैक्सीन के बारे में। तो यहाँ पे देख लीजिए, दिया गया है इसको 6, 10 एंड 14 वीक्स पे लगाया जाता है। और इससे कौन सी बीमारी से बचाया जा सकता है बच्चे को, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है डिजीज़ प्रिवेंटेड में रोटा वायरस डायरिया से इसको लगाने से बच्चे को बचाया जा सकता है, ठीक है। इसकी जो डोज है यहाँ पे दी गई है 5 ड्रॉप्स लिक्विड, या फिर इसका दूसरा ऑप्शन जो है 2.5 ml फॉर रिकन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे FIV वैक्सीन के बारे में। तो इसमें देख लीजिए, इसका 2 डोजेज होती हैं, 0.1 ml एट 6 वीक्स एंड 14 वीक्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डोजेज हो गई, और इससे किससे बचा जा सकता है इसको लगाने के बाद में, तो यहाँ पे देख लीजिए दिया गया डिजीज प्रिवेंटेड में, इसको लगाने से पोलियोमेलाइटिस से बचा जा सकता है, पोलियो से इसको लगाने से बचा जा सकता है। इसकी जो डोज है यहाँ पर दी गई है 0.1 ml। अब बात करेंगे मीजल्स रूबेला वैक्सीन के बारे में। तो इसके 2 डोज होते हैं, ठीक है। इसका जो फर्स्ट डोज होता है वो लगता है 9 से 12 महीने के बीच में, और इसका जो दूसरा डोज होता है सेकंड डोज वो लगता है 16 से 24 महीने के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे ये कौन से डिजीज़ से बचाता है बच्चे को, ये देख लीजिए, मीजल्स एंड रूबेला से ये बच्चे को बचाता है। और इसकी डोज यहाँ पर दी गई है, डोज है 0.5 ml। अब यहाँ पर अगली वैक्सीन आती है DPT वैक्सीन, ठीक है। ये देख लीजिए, इसका जो पहला बूस्टर डोज होता है वो लगता है 16 से 24 महीने के बीच में, और जो दूसरा बूस्टर डोज होता है वो लगता है 5 से 6 साल की एज में, ठीक है। और ये किससे बचाता है, तो ये डिजीज़ जो प्रिवेंटेड है वो उसमें दिया गया है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस से ये बचाता है। जो DPT होता है वो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस से बच्चे को बचाता है। इसका जो डोज होता है वो होता है 0.5 ml। अब यहाँ पर बात करेंगे TD वैक्सीन के बारे में। तो इसके बारे में यहाँ पे देख लीजिए, दिया गया है इसकी जो फर्स्ट डोज होती है वो लगती है 10 साल की एज में बच्चे को, और जो सेकेंड डोज होती है वो लगती है 16 ईयर्स की एज में। और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बात करें, यहाँ पे देख लीजिए दिया गया प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जो फर्स्ट डोज होती है वो लगती है अर्ली इन प्रेगनेंसी,
जैसे ही प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है तो सबसे पहले ये लगाई जाती है। सेकेंड डोज लगती है 4 वीक्स आफ्टर फर्स्ट डोज, फर्स्ट डोज लगने के 4 हफ्ते बाद इसकी सेकेंड डोज लगाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है टीडी बूस्टर फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, इसमें 1 डोज इफ प्रीवियसली वैक्सीनेटेड विद इन लास्ट 3 ईयर्स, अगर पिछले 3 सालों में वैक्सीनेटेड हैं तो इसका 1 डोज लगेगा बूस्टर का, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे पीसीवी वैक्सीन के बारे में, तो यहाँ पे इसका दिया गया है फर्स्ट डोज लगता है 6 वीक्स पे, सेकेंड डोज लगता है 14 वीक्स पे, और इसका बूस्टर डोज लगता है 9 मंथ्स पे, ठीक है। डिजीज़ प्रिवेंटेड में दिया गया है इसको लगने से कौन सी डिजीज़ से बचा जा सकता है, बच्चे को कौन सी डिजीज़ से बचाया जा सकता है, यहाँ पे दिया गया है, इसमें देख लीजिए न्यूमोकोकल निमोनिया से बचाया जा सकता है, और इसका जो डोज है वो दिया गया है 0.5 ml, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे जेई वैक्सीन के बारे में, तो ये होता है जैपनीज इंसेफेलाइटिस, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका फर्स्ट डोज लगता है 9 से 12 महीने के बीच में, इसका सेकेंड डोज लगता है 16 से 24 महीने के बीच में, और इसको लगाने से कौन से डिजीज़ से बच्चे को बचाया जा सकता है, तो यहाँ पे दिया गया है जैपनीज इंसेफेलाइटिस, मतलब ब्रेन फीवर, ये होता है ब्रेन फीवर, इससे बचाया जा सकता है, ठीक है। इसका डोज होता है 0.5 ml। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ वैक्सीन्स के बारे में मैंने आपको बताया है कब लगती हैं और कितने डोज लगते हैं, कितने ml लगता है, तो ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर मैं आता रहता हूँ।